मुंबई के कांदिवली इलाके में बुधवार शाम एक कार सवार ने बस स्टॉप पर खड़े 8 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि 7 लोग घायल हुए हैं। ये पूरा सड़क हादसा सड़क के किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सड़क किनारे बस स्टॉप, लोग मंजिल पर पहुंचने बस का इंतजार कर रहे हैं, आपस में बातचीत हो रही है। तभी दूर से मारुति स्टीम कार दिखती है। यहां तक सब कुछ सामान्य था, तभी कार लहराती है। पहले वो डिवाइडर से टकराई, फिर पोल को टक्कर मारी, बाद में सड़क किनारे खड़े मुसाफिरों को उसने रौंद दिया। सब कुछ पल भर में हो गया। लोग संभल पाते उससे पहले 7 जख्मी हो गए, एक की मौत हो गई। हम लोग उधर बाहर खड़ा था तो मैं इतना जोड़ में गाड़ी लाया और ऐसा ब्रेक मारा तो हम लोग उधर तो घबड़ गया कि पब्लिक अगल बगल में कोई आता नहीं था, डर के मारे तो दूर दूर से लोग चिल्ला रहे थे, पीछे से भागते रहे। हादसा मुंबई के उपनगर कांदिवली के काका केणी चौक पर हुआ। आरोपी ड्राइवर ने भागने की कोशिश की लेकिन कार के टायर पंचर हो चुके थे, उसे भीड़ ने घेर लिया। पुलिस के पहुंचने से पहले उसकी जमकर मरम्मत की। टोटली दारू के नशे में था, उसका नाम है श्रीकांत लक्ष्मी नारायण तिवारी। गाड़ी उसकी है और वो रिक्शा चालक है, खुद पेशे से रिक्शा चालक है, गाड़ी उसकी है। कल उसको तुरंत अरेस्ट किया। जांच में पता चला कि पेशे से ऑटो ड्राइवर तिवारी ने 2 दिन पहले ही ये पुरानी कार खरीदी थी। उसी खुशी में उसने पहले जमकर शराब पी और फिर कार चलाने लगा, लेकिन उसकी ये खुशी दूसरों के लिए मातम बन गई। मुंबई से अनुराग द्वारा के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।